दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं तो अच्छा हूं, शायद आप भी अच्छे होंगे, ऐसा आशा नहीं बल्कि मेरा पूर्ण विश्वास है। कमेंट में राय दीजिएगा दोस्तों, बदलते मौसम में थोड़ा सा तो सेहत का उठा पटक होता रहता है। तो चलते हैं, दिखाते हैं जौनपुर सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों एक गांव है सराहरखू है ना? हाँ, सराहरखू पटान सर। तो दोस्तों निकाल के दिखाते हैं कि सांप कौन सा है, नजरें जमा रखिएगा क्योंकि दोस्तों बारिश हो चुकी है, तो बारिश में सांपों का निकलना कुछ ज़्यादा हो गया है। दोस्तों बिल में पानी जाता है तो उससे सांप निकल करके हमारे आपके घरों में प्रवेश करते हैं और इनके पेड़ बागान बगीचे हर जगह दोस्तों जंगल झाड़ियाँ कटती चली जा रही, ये बेचारे कहाँ पे रहेंगे। तो थोड़ा आप वृक्षों को भी लगाइए, पर्यावरण को भी बचाइए, गार्डन बगीचे सब कुछ सजाइए दोस्तों, जिससे ये हमारा पूरा भूमंडल सजा रहे। आइए निकालते हैं और आपको दिखाते हैं, नजरें जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेते हैं 2 मिनट का वक्त दोस्तों, ये लोग भी बहुत जीव जंतुओं के बड़े प्रेमी हैं, जब भी ऐसी कोई बात होती तो हमको याद करते हैं। इन लोगों को आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं ये लोग और मारते नहीं ये लोग भी सांपों को। तो चलिए निकालते हैं और एक एक सांप इन लोगों को देते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा सांप है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, अक्सर कई बार वीडियो में ये जानकारियाँ मिलती रहती, थोड़ी घर के आप आसपास में साफ सफाई रखिएगा क्योंकि दोस्तों ये मेजबान है, कहीं से भी आते जाते रहते हैं। चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं कि सांप कौन सा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे स्थानों पे दोस्तों ये ऐसे सांप हमेशा आते जाते रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बेजुबानों को बचाने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। जौनपुर ज़िले के दोस्तों बॉर्डर तक काफ़ी दूर दूर तक जाकर के इन बेजुबानों को बचाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। वैसे दोस्तों बारिश हो चुकी है तो इनके जो मीटिंग का समय है, जो प्रजनन का समय है, यही दौर चल रहा है। तो ऐसे में आप इनको थोड़ा सा इनके साथ छेड़छाड़ न कीजिए, बदतमीजी न कीजिए, इनको बचाइए, इन्हीं से हमारा पर्यावरण सेफ होता है। चलिए हम इसे निकालते हैं अविलंब और आपको दिखाते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए निकालते हैं। दिख रहा है सर? हाँ सर। हाँ थोड़ा दूर रहिए। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होती हुई और इस तरीके से और पीछे कीजिए, पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ आपको इशारे पे इशारा करते रहना है जिससे उसको डिस्टरबेंस महसूस हो, बाहर चलाए, महसूस हो, बाहर चलाए। दोस्तों ये हो गया इंडियन रेड स्नैक, इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इंडियन रेड स्नैक, इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी बिग साइज का होता है और बहुत तेज़ी से ही भागता है। ये दोस्तों खेत खलिहान, खुला मैदान और आसमान के नीचे ये सांप रहता है, काफ़ी भारी साइज का होता है। एक बार और सर छेड़ लीजिए, सर देखना बहुत सही। इधर कैमरा बहुत जल्दी। हाँ तो दोस्तों ये हो गया इंडियन रेड स्नैक। दोस्तों इसी तरीके से मेजबानों को बचाने के लिए काफ़ी पूरा प्रयास होता है और ये दोनों बड़े बिग साइज के हैं दोस्तों और बिल्कुल नानबीन बसे। दोस्तों गांव में अक्सर लोग इसे नाग और नागिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए भी आइए पकड़ ले।
तक इधर से आ जाओ। ये हो गए नर और मादा, दोनों एक साथ इनको बचाना। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में रेड स्नैक के नाम से जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में इसको घोड़ पछाड़ और कहीं कहीं पर धामिन बोलते हैं। वैसे इसका पसंदीदा जो भोजन है शायद आप जानते होंगे, वैसे इसका नाम जो रेड स्नैक है दोस्तों उसी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ चूहा खाता है ये। तो दोस्तों जैसे बारिश में चूहा नहीं मिलता है तो ये मेढक को भी खा लेता है। बारिश के समय में दोस्तों ये अधिक निकलता है, नर और मादा दोनों एक साथ। ज़्यादा करके दोस्तों इस समय इनका जो चल रहा है समय मई जून जुलाई का, ये मीटिंग का दौर होता है मई और जून का। तो दोस्तों ये भी इंसानों के बीच में रहते हैं, इन्हें किसान मित्र भी कहा जाता है। और ये चंचल प्रकृति के सांप है दोस्तों, हमारे भारत का सबसे तेज धावक सांप, और ये भागता बहुत तेजी से है। अक्सर आप इनको दोनों को एक साथ देखे होंगे, कई बार वीडियो में देखे होंगे। तो इनको आप मारिए नहीं, बिल्कुल बचाइए, ये जहरीले बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, इनके काटने के बाद में लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाता है दोस्तों, जानकारी ही बचाव है। जब भी इनको आप प्यार से पकड़ेंगे तो काटेंगे नहीं, लेकिन बात ये दोस्तों इस वीडियो को देख के गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको काट भी सकता है ये। तो चलिए हम इसे पैक कर देते हैं और थोड़ा दूर लेके चलते हैं। काट ले, नहीं नहीं काटेंगे नहीं, बस सिर्फ आप आराम से पकड़ेंगे तो नहीं काटेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इनके हौसले के लिए तो एक लाइक बनता है, ठीक है सर। तो दोस्तों ये हो गया इन सांपों को बचाने की प्रक्रिया। तो इस तरीके से दोस्तों इनको हम इसमें पैक कर लिए हैं। तो दोस्तों ये पैक हो चुका है, देख लीजिए सर, थोड़ा सा खोल कर लीजिए। वही चलिए, ये पाइप जान लीजिए आपके लिए बहुत फायदा कर रहा है, क्योंकि जितने भी सांप होंगे इसके माध्यम से सारे सांप यहाँ पे। ये देखो सर, सर सर आ रहा है और सांप आ रहा है। तो दोस्तों आप नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में ही तो खतरा हो सकता है और नए भी हो सकता है। चलिए दोस्तों हम इसमें हाथ लगाते हैं, लेकिन ये डर के मारे अंदर जा रहा है। वैसे इसके काटने के बाद गया है सर उस तरफ। हाँ आप लोग इधर आजिए, इस साइड आ गया, इधर आजिए, एकदम आइए तभी आएगा। और आ गया, बाहर आ गया। तो दोस्तों ये काफी बिग साइज का है, इंडियन रेड स्नैक फिर से पकड़ में आ गया दोस्तों। और ये दोस्तों क्या है, चंचल प्रकृति का है, ये इधर खेत खलिहान की तरफ घूमता रहता है, और यहाँ पर भारी भरा पूरा परिवार है दोस्तों, आप देख सकते हैं। थोड़ा शांत रहें प्लीज। तो दोस्तों यहाँ से ये तीन सांप जा चुके हैं, और हो सकता है एक सांप और भी हो, क्योंकि दोस्तों जहाँ ये रहता है ये जोड़े के साथ रहता है। मई जून के महीने में दोस्तों इसका मीटिंग का समय रहता है, यानी कि प्रजनन का समय होता है। तो हो सकता है इसके साथ एक और भी हो, ऑलरेडी अभी तो इसमें नहीं है, नेक्स्ट टाइम आएंगे उसको भी कैच करेंगे। चलिए इसको लेके चलते हैं घर बाहर की तरफ। तो चलिए दोस्तों इसको हम पैक कर दिए, और इस वीडियो को देखिए गलती नहीं कीजिएगा, ये काम एक स्कर्ट के लिए। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी वीडियो में जियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय।